अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये कुछ हरकत क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ठंड लगने की वजह से इनकी दिल की धड़कन रुक गई है। क्या बात करें, कुछ तो करिए सर। मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, पर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी इनके बचने का कोई चांसेस नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ प्लीज कुछ करिए, हम डॉक्टर हैं, आपको आप रुकिए, तो पता ही होगा ना। मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी एम्बुलेंस को बुलाइए। क्या कर रहा हूँ, हमें इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, सब हमारी गलती है। पता था हमें किसके जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम, ये हमारी वजह से कृष्णा चली गई और अब ये हम दोनों में से किसी को नहीं बचा पाए। पर इसे तो हमने रोका था कि हमारे पूछे बगैर कुछ मत करना। कृपा आंखें खोलो अपनी, देखो मैं तुम्हें मना किया था कि कुछ मत करना, कातिल तुम पर कभी भी हमला कर सकता है, और तुम्हें तो झांसी की रानी बनकर खड़ा होना था ना। झांसी की रानी तो हिम्मत करके खड़ी हो जाती थी, अब तुम भी उठो। जब आप तो हमें देख लिया ना इन सब का अंजाम क्या होता है। क्यों किया तुमने, क्यों किया तुमने ये सब, बताओ। मैं उसकी सांसें चल रही। डॉक्टर साहब, देखिए इनकी सांसें चल रही, सांसें चल रही हैं इनकी। यस, इनका दिल तो फिर से धड़क रहा है और पहले से बेहतर है। मैं एक काम करता हूँ, आपको कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप ये मेडिसिन इनको टाइम पर देते रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, ये जल्द ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। थैंक यू। इट्स ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। ठीक हो तुम? एक बात बताओ हमें, तुमने क्या अपने दिल और दिमाग में ठान रखी है कि हमारी कोई भी बात नहीं सुननी? मना किया था ना तुम्हें ये सब करने से, लेकिन किया तुमने वही जो तुम्हें सही रखा। अरे हम तुम्हें अच्छे से जानते भी नहीं, कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता इन सब की? देखो तुम्हारे घर वाले हमसे आके 70 क्वेश्चन पूछते ना। क्यों ये सब करने की जरूरत थी तुम्हें? हमने ये सब कुछ तुम्हारी मदद करने के लिए किया है। हमारी मदद? देख लो कैसे मदद की है तुमने। कातिल तो अपना काम करके निकल गया, उल्टा हम दोनों की जान बड़ी मुश्किल से बची है। मदद करनी ना, 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 ना। क्या कर रही हो तुम्हें? आराम करने के लिए बोला है डॉक्टर ने तुम्हें, ज्यादा ये बार बार झांसी की रानी मत बनो। अरे हमारी बात तो सुनो। ठीक, वो कैमरा सीसीटीवी लगा है, जिससे ना इस घर में कोई भी आया जाए उस पर पकड़ में आ जाएगा। हमें पक्का पता है वो कातिल का चेहरा उस पर पकड़ा गया है। इस कैमरे को हमने ऐसी जगह लगाई है ताकि इस घर में कोई भी कहीं से भी गुजरे इस कैमरा में कैद हो जाए। इसीलिए तो हम घर पर अकेले रुके हैं ताकि कातिल हम पर वार करे और हम उसे झट से पकड़ ले। गोपाला, अब इस फोटो का क्या करेगा, अखबार में छपवाएगा?
इसकी भी तो फोटो अखबार में छपवाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस बार बड़े अखबार में छपवाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। हाँ छपवा देंगे दादी, फिलहाल तो हम उस गाँव में जा रहे हैं जहाँ पे हमने हमारी गोपाला को देखा था। इतने बड़े गाँव में ये फोटो लेकर कहाँ घूमता फिरेगा? तो कैसे हाथ पे हाथ पत्थर कर बैठ जाएंगे दादी। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि गोपाला को ढूंढने की सारी कोशिश हम ही कर रहे हैं। आपने तो इसी लड़की को अपनी गोपाला मान लिया है, क्योंकि इसके अंदर हमारी गोपाला का दिल है। हमारी गोपाला की जगह हमारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। आज गोपाला हमारे बीच नहीं है, कि कम से कम ये तसल्ली तो है कि उसका एक हिस्सा हमारे साथ है, उसका दिल हमारे पास है। तुम मान ना माना जो, ये सब हमारी करनी का फल है। तूने गोपाला का कमजोर दिल इस निर्दोष बच्ची में डलवा दिया, और देख भगवान ने कैसी प्रलय मचाई। गांव तो तबाह हुआ ही, और हमारी गोपाला भी लापता हो गई। दादी तुम्हारी गोपाला ना बहुत ही बहादुर और समझदार है, बिल्कुल हमारी तरह। उसे कुछ नहीं होगा, देखना वो कैसे पागल हो जाएगी जब वो हमें पहली बार देखेगी। लेकिन उससे पहले हमें उन दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी तैयारी में जाना है। अच्छू, ये सब क्या है? हमें हमारी गोपाला किसी भी हालत में वापस चाहिए। अज्जू नहीं बेटा, अज्जू। हे भगवान, ये कोई गलत काम ना करे। ईश्वर हमारे गोपाला सही सलामत घर आ जाए बस। अभी तक तो उनका काम तमाम हो गया होगा। किसका काम तमाम हो गया होगा? किसका? वो मामा जी, वो अब अरे भैया, वो आज इंडिया का मैच है ना, तो वो उसी की बात कह रहा था कि दूसरी जोट पार्टी का तो काम तमाम हो ही गया होगा, है ना? और इंडिया का मैच तो कल था। कल? अरे भैया, हम भी ना वो हम क्रिकेट की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, हम तो वो कुश्ती की बात कर रहे हैं। काम तमाम हो गया होगा। अरे रघुवेंद्र, सारा प्रसाद अपनी बहन को ही देगा क्या? बाकी सबको भी दे। लो बताओ, पूजा भी संपन्न हो गई, पर ना प्रसाद का पता है और ना ही कृष्णा का, और ये जीत भी पता नहीं कहाँ चला गया। उनका तो ध्यान ही नहीं रहा, पूजा में ऐसे मन लगा कि हम बस अभी पता करते हैं। हाँ अमू, रुक जाइए, फोन करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही देर में हम घर जाने ही वाले हैं, तो वहाँ कृष्णा भी होगी और जीत भी, अपनी आंखों से हम देख लेंगे वो अब तक आए क्यों नहीं। और वैसे भी ना हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हमें कुछ बताना है, और हम नहीं चाहते कि उसके बीच में किसी का भी ध्यान भटके। क्या बात है गौरी? हम चाहते हैं कि आप खुद खोल कर देखें। अरे हमका तो अंग्रेजी पढ़ना आता नहीं है, तो हम कैसे देखें, कैसे पढ़ें? अरे सुकान को दे दो, उसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, बचपन में अंग्रेजी में बड़े ही अच्छे नंबर से पास होता था। अरे तो वही अस्पताल वाली रिपोर्ट है, तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट है। कमाल है, अरे घर पे तुम दिखा नहीं रही थी और यहाँ सबके सामने दिखा रही हो, ऐसा क्या है इसमें? इतना सोच क्या रहे हैं सुखान जी, आपके हाथ में रिपोर्ट्स है, खोलिए और देख लीजिए। पढ़ना, क्या लिखा है? पढ़ रहा हूँ।
बताओ क्या कर रहे हैं अभी तुम? अरे ये कैसे हो सकता है जो हम तुमसे पूछ रहे हैं? ये रिपोर्ट तुम प्रेग्नेंट हो? ये कैसे हो सकता है? तुम हमें सच बताओ, ये क्या है ये सब? सुकान, क्या हुआ, क्या लिखा है, बोल। कुछ गड़बड़ है क्या? बोलना। गौरी माँ बनने वाली है। क्या? सच में? अरे महादेव, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब फिर से दादी बनने वाले हैं। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे वाह मामा जी, अब तो पापा बनने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई आप भैया। गौरी, तूने हम कब पहले काहे नहीं बताया कि तू माँ बनने वाली? वो रिपोर्ट्स जो सब लिखा हुआ था तो हमने सोचा सीधा वही दिखा देंगे, अपने मुंह से क्या कहते। पर ये कैसे हो सकता है? पर बेटा, तू तो हमका छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी सब बताती है, पर इतनी बड़ी खुशी की बात काहे नहीं बताई? कोई भी लड़की ये बात सबसे पहले अपनी माँ को बताना चाहती है, और हमारी मियाँ के जाने के बाद अगर वो जगह किसी और ने ली है ना, हमें तो वो सिर्फ आप हैं। इसलिए हम ना सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहते थे, इसीलिए तो रिपोर्ट्स आपके हाथ में ला कर दे दी। लेकिन हम ना ये बात आपको किसी शुभ दिन, शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर ये बात आपको बताना चाहते थे, और आज से बेहतर शुभ और क्या हो सकता था, इसलिए। हाँ, ये बात तो सही कह रही है कि आज से शुभ दिन तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। बहुत खुश है हम बेटा, अपना ख्याल रखना हमें। आप कीजिएगा, हम प्यार करते हैं आपसे, इसलिए आपको ये झूठी खुशी देते हुए अच्छा नहीं लग रहा। जानते हैं जब सच आपके सामने आएगा ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी, पर इस वक्त ना ये झूठी खबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप हमें समझ पाएंगी। इससे बढ़कर एक खिलाड़ी है दोनों बहने, अगर माँ तो हमारा क्या होगा? जायदाद में एक नया दावेदार खड़े होने वाला है, इसको भी देख ही लेंगे। देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।